मेरे प्यारे दोस्तों, भैया जी का 5 मिनट में सीखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं भैया जी और मैं आपको सॉफ्टवेयर की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपकी अपनी भाषा हिंदी में सिखाऊंगा, जिससे कि आप एक बार सीख गए तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर के बारे में। वैसे तो पूरा का पूरा स्नोफ्लेक का इंटरनल आर्किटेक्चर मैकेनिज्म एवरीथिंग जो है कंपनी के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, लेकिन अगर आप स्नोफ्लेक आर्किटेक्चर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो आप जान पाएंगे कि कॉस्ट कैसे कंप्यूट होता है, सिक्योरिटी कैसे काम करता है, अप स्केल और डी स्केल कैसे कर सकते हैं, और जो है आपके यूजेज के हिसाब से कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए जिससे कि आपको ओवर कॉस्टिंग नहीं हो। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से अच्छे से आर्किटेक्चर को समझिए। अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो इसमें मोटा मोटा 3 लेयर है। पहला जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज ओनली लेयर, मतलब कि उसमें जो है स्टोरेज का काम होता है। जो भी डाटा है, स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर व्हाटएवर, सब का सब जो है इस डाटा बेस जो है डाटा स्टोरेज लेयर में जाता है। दूसरा जो लेयर है कंप्यूट ओनली लेयर बोलते हैं, जिसमें कि जब आप क्यूरी लिखते हैं तो कंप्यूटिंग का पूरा काम इसी में होता है। तीसरा लेयर जो है उसको हम लोग सर्विसिंग लेयर बोलते हैं, क्लाउड सर्विसेज लेयर, जहाँ पे कि सारा ऑथेंटिकेशन का काम, एक्सेस कंट्रोल का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का काम, ऑप्टिमाइजेशन का काम, मेटा डाटा मैनेजमेंट का काम, सब कुछ इसी लेयर में होता है। इसको जो है स्नोफ्लेक डाटा वेयरहाउस का ब्रेन लेयर भी बोलते हैं। तो आइए एक एक करके तीनों लेयर में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जो डाटाबेस स्टोरेज लेयर है, जब भी आप डाटा को स्टोर करते हैं तो ये डाटाबेस लेयर में जाके स्टोर होता है। स्टोर करने से पहले स्नोफ्लेक डाटा को रीऑर्गेनाइज करके, ऑप्टिमाइज करके, कंप्रेस करके इसको कॉलमनर फॉर्मेट में स्टोर करता है। ये जो कॉलमनर फॉर्मेट वाला जो फंडा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी से डाटा प्रोसेसिंग बहुत ही फास्ट हो जाता है। जो ये डाटा ऑब्जेक्ट है इसको आप डायरेक्टली नहीं देख सकते और डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्यूरी लेयर में क्यूरी लिखना होगा। जब आप क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये काम क्यूरी प्रोसेसिंग लेयर का होता है, जो कि जिसको कि कंप्यूटिंग लेयर भी कहते हैं। स्नोफ्लेक जो एग्जीक्यूट और प्रोसेस करता है क्यूरी, वो है वर्चुअल वेयर हाउस, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म VWS होता है। वर्चुअल वेयर हाउस बेसिकली वर्चुअल मशीन होता है और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और जो आप प्लान लिए हैं उसके हिसाब से आपको कंप्यूटिंग नोड असाइन किया जाता है। जब आप डाटा वेयर हाउस डिजाइन करते हैं तो आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक्स स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स लार्ज और डबल एक्सल साइज, जैसे टी शर्ट का साइज होता है ना, वैसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज में पैकेज अवेलेबल है। आपका रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से आप पैकेज चूज कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल DDL कमांड एग्जीक्यूट करना है तो आप सिंगल लेयर सिंगल नोड का ले लीजिए। जहाँ पे कि डाटा लोड करना है वहाँ पे आप थोड़ा बड़ा जैसे कि स्मॉल या मीडियम लेवल का ले लीजिए, और जहाँ पर कि आपको जो है डाटा प्रोसेसिंग करना है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पावरफुल चाहिए तो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। जो आर्किटेक्चर है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बिल्कुल फिजिकली सेपरेट है, एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन लॉजिकली बिल्कुल एक दूसरे से
टाइटली कपल्ड भी है। तो ये एक तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया है, जिससे कि आपको एक बिल्कुल फास्टर और बहुत ही बढ़िया डाटा वेयर हाउस सिस्टम मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये लर्निंग वीडियो देखने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बाकी का वीडियो भी ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको पूरा लर्निंग